हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, देन फाइंड देन द सम ऑफ द नंबर। दोस्तों, आपको सम ऑफ द नंबर पूछा है। हिंदी में भी मैं समझा देता हूँ, देखिए क्या कहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उसके वर्गों का योग दोस्तों 279 है, तो उस संख्या का योग कितना होगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या है, दो नंबर का कितना, ये क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो दोस्तों ए और बी क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो नंबर ले लेंगे, क्या ए और बी, और इनका दोस्तों क्या कहा है, गुणनफल कितना कहा, 120। उसके बाद दोस्तों क्या कहा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब दोस्तों ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इसका इसके योग कितना होगा। दोस्तों, इसके वर्गों का योग कितना है, 289। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का नहीं सम मतलब कि उनका योग पूछा है। योग मतलब दोस्तों ए, हमने दो संख्या क्या क्या लिया था, ए और बी, तो चलिए ए प्लस बी कर लेंगे हम लोग। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ताकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाए और सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोस्तों देखिए आपके पास, अब मैं यहाँ पे ब्लैक मार कर लेता हूँ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ कितना, 289, और 2ab का भी वैल्यू दिया हुआ कितना दोस्तों, 120। तो आप यहाँ से ये यहाँ पे ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 289 प्लस 2ab कितना हो गया दोस्तों, 240। 240 कैसे हो गया, तो ab की जगह पे हमने 120 रखा और 2 से गुना कर दिया, तो 240 हो गया। दोस्तों इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 529। चलिए 529 आ गया और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। दोस्तों मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और फिर फ्रेश लिखता हूँ। दोस्तों देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों आपका, 529 आ गया। दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है संख्याओं का सम कितना होगा, आपसे स्क्वायर में नहीं पूछा। तो ए प्लस बी सिर्फ कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर रूट है, उधर स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी 529 ये हो गया। अब दोस्तों देखिए ए प्लस बी कितना आ गया, तो 529 किसका रूट है दोस्तों, 23 का। तो ए प्लस बी कितना आ गया, 23 आ गया। और आपसे पूछा क्या था, बिल्कुल देखिए आपसे वही चीज़ पूछा था कि सम ऑफ द नंबर संख्याओं का योग कितना होगा, यानी ए प्लस बी का योग कितना होगा, तो दोस्तों 23 होगा। इसका योग कितना होगा, 23। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शिखर ऑब्टेंड 60, 65, 70, 72 and 78 मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर देयर एवरेज मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये सब मार्क्स उसने एक सब्जेक्ट में ऑब्टेंड किया, कौन कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो बताएं कि उसका एवरेज मार्क्स सब सब्जेक्ट में क्या होगा। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जो मार्क्स दिया होगा उसको लिख लीजिए, जोड़ दीजिए सबको, 60, 65, 70, 72 और कितना है दोस्तों, 78। इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़ने पर देखिए कितना आएगा, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैंने आपको जैसे कहा कि इसको सबको जोड़ दीजिए, किसको किसको दोस्तों, तो 60, 65 ये सबको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ने से दोस्तों कितना है, 345 आया, 345। अब दोस्तों आपको एवरेज निकालने बोला, क्या है दोस्तों, एवरेज मार्क्स यानी औसत मार्क्स। तो औसत के लिए क्या करना होगा दोस्तों, जितना को जोड़ा और कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, देख लीजिए, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट, पाँच सब्जेक्ट, पाँच सब्जेक्ट हैं, तो आपको नीचे पाँच से भाग दे देना है दोस्तों। इसको आप काटिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 बार में काट लीजिए दोस्तों, 6, 30 आ गया और ये 9, यानी कि 69 दोस्तों क्या हो गया, इसका एवरेज मार्क्स हो गया। 69 क्या हो गया दोस्तों, एवरेज मार्क्स हो गया, और यही आपसे पूछा भी था। ये सबको जोड़ लीजिए पहले और उसके बाद जितना सारे सब्जेक्ट है उसे डिवाइड कर दीजिए, यानी 5 है तो 5 कर दिया हमने। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ अर्जुन एंड बीनाबाज 25 ईयर, इफ कबीर ज्वाइन देम द एवरेज इज बिकम 28 ईयर, हाउ ओल्ड इज कबीर नाउ। दोस्तों देखिए क्या कहा है, 5 साल पहले अर्जुन और बीना का औसत आयु कितना था, 25 साल। दोस्तों 5 साल पहले, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 ईयर्स एगो। तो दोस्तों पहले को हम लोग इंग्लिश में एगो बोलते हैं, एगो हो गया, 25 था 5 साल पहले। तो अभी कितना होगा दोस्तों, 25 प्लस 5, क्योंकि 5 साल पहले अगर 25 होगा तो अभी औसत आयु कितना होगा, 25 प्लस 5, यानी औसत आयु कितना होगा, 30। दोस्तों 30 अगर आपकी औसत आयु है तो कुल आयु कितना होगा, 30 × 2 = 60 कुल आयु होगा, 60 अभी कुल आयु होगा। दोस्तों फिर क्या कहता है, कबीर ज्वाइन देम, कबीर उसमें ज्वाइन कर गया और एवरेज अब औसत आयु कितना हो गया दोस्तों, 28 हो गया, कितना हो गया, 28। यानी अब दोस्तों लोग कितने हो गए, 3 हो गए और औसत आयु कितना हो गया, 28। तो दोस्तों कुल आयु कितना हो जाएगा, तो कुल आयु दोस्तों इसको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा, 84। आपसे पूछा गया दोस्तों, हाउ ओल्ड इज कबीर नाउ, कबीर अभी कितने साल का है। दोस्तों पहले देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, जब पहले कबीर ज्वाइन नहीं किया दोस्तों कितना था, 60 था कुल आयु, अभी कबीर ज्वाइन कर गया तो कितना हो गया, कुल आयु 84 हो गया। दोस्तों आपसे क्या पूछा है,
कि इनका मतलब कबीर का उम्र कितना है। दोस्तों जब 84 होगी और 60 होगी तो क्या करना, सिंपली 84 में से दोस्तों 60 को घटा लेना है। 84 में से 60 को घटा लेना तो कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया। और 24 से किसकी आयु हो गया दोस्तों, कबीर का आयु हो गया। चलिए देखिए कैसे। तो देखिए पहले कितना था, 60 था कबीर के ज्वाइन करने से पहले। जब कबीर ज्वाइन कर गया तो कितना हो गया, 84। इसको जब आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि किसका आयु था, कबीर का आयु था। चलिए बढ़ते चौथे क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, काफी आसान सा क्वेश्चन और मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ, ऊपर क्वेश्चन इसे पढ़ के भी मत, ये सब काट लीजिए पहले। देखिए इस सब क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में। देखिए सबको पहले सबसे पहले काट दीजिए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ प्रोपोर्शन देखना क्या है, 5243 5243। और क्या कहा, विक्रम गेट्स 1000 मोर देन दीपक, व्हाट इज राशि। तो आपको बस देखना क्या है इसमें, देखिए आपको ये देखना है, देखिए आपको क्या देखना है दोस्तों कि विक्रम गेट्स 1000 मोर देन दीपक, व्हाट इज राशि। विक्रम गेट्स 1000 मोर देन दीपक, आपको क्या देखना है, विक्रम और दीपक का औसत आयु देखना, औसत देखना। तो औसत कितना दोस्तों विक्रम का, प्रोपोर्शन देखना है, अनुपात देखना है, 4 है विक्रम का और 3 किसका है, दीपक का 3 है और विक्रम का 4 है। आपको क्या लिखना है दोस्तों, विक्रम का 4 है और दीपक का अनुपात में कितने, सब अनुपात में है और अनुपात में 3 है। दोस्तों अब देखिए, अब दोस्तों देखिए अनुपात में इससे कितना कम है, विक्रम अनुपात में दीपक से कितना ज़्यादा है दोस्तों, अनुपात एक में। और कहा कितना, उसको कितने रुपये ज़्यादा मिलेगा विक्रम को, कितना 1000 रुपये ज़्यादा मिलेगा किससे, दीपक से। तो अनुपात में एक ज़्यादा और रियल में दोस्तों कितना ज़्यादा हो गया, रियल में कितना ज़्यादा हो गया दोस्तों, 1000 ज़्यादा हो गया, 1000 ज़्यादा हो गया। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज राज शेयर, तो राज का कितना अनुपात है दोस्तों, तो राज देखिए दो नंबर पर है, दूसरे में है, तो राज का अनुपात यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, क्योंकि 1 का अगर 1000 तो 2 का 2000 हो गया। चलिए बढ़ते पांचवें क्वेश्चन में, देखते हैं मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है कि भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस, दोस्तों देखिए फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों आपको चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका आधार 24 है और ऊंचाई दोस्तों कितना है, 16 है। आपको उससे क्या, उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए एरिया बराबर क्या हो गया, एरिया बराबर हो जाएगा दोस्तों बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा दोस्तों 24 × 16, जिसको करने से दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 300, तो ये 360 आना चाहिए दोस्तों, 360 नहीं 384 आना चाहिए, 384। आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, चलिए 384 ही आना चाहिए। और इसका तो ये हो गया 384 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, क्योंकि एरिया का स्क्वायर, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। तो चलिए दोस्तों इसका कितना हो गया, 384 हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और साथ ही जो पास में बेल आइकन है दोस्तों, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, और नीचे दोस्तों इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।